कानपुर में गुंडा माफियाओं के नाम से जारी हुआ डाक टिकट। मुन्ना बजरंगी छोटा राजन के नाम से डाक टिकट जारी। प्रशासन की बड़ी लापरवाही से शर्मसार कारनामा। कानपुर के प्रधान डाकघर से जारी हुए टिकट। माई स्टैंप योजना के तहत छापे गए स्टैंप। 5 रुपए वाले 12 टिकट छोटा राजन के नाम, 5 रुपए वाले 12 टिकट मुन्ना बजरंगी के नाम। इसके लिए जमा की गई निर्धारित फीस 600 रुपए निर्धारित फीस जमा की गई। अधिकारियों ने नहीं की फोटो की पड़ताल। किसी प्रकार से प्रमाण पत्र भी नहीं मांगे गए। सर, कानपुर के प्रधान डाकघर से कुछ माफियाओं की तस्वीर वाले डाक टिकट जारी हो गए हैं, ये ऐसी लापरवाही क्यों हुई सर? मीडिया के माध्यम से ही मुझे भी पता चला है कि दो ऐसे डाक टिकट जारी हुए आज ही, और मैं इसकी जांच कर रहा हूं कि ये डाक टिकट कैसे जारी हो गए, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने की कोशिश कर रहा हूं कि गलती कहां हुई, और ये गलती आगे भविष्य में ना हो ये हम इंश्योर करना चाहेंगे। लेकिन सर, आखिर जिन लोगों ने इस तरह की लापरवाही की, कहीं ना कहीं उनके ऊपर एक कार्रवाई हो जिससे कि आगे संदेश जाए? मुझे लगता है कि आज शाम तक हमारी इंक्वायरी पूरी हो जाएगी, और आज शाम तक हम कोशिश करेंगे कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो और एक मैसेज जाए कि इस तरह की गलतियां दोबारा ना हो। सर, ये कैसे, पूरा प्रोसेस क्या है, प्रक्रिया क्या है इस तरह के डाक टिकट बनने की? भारत सरकार की एक स्कीम है जिसमें आप डाकघर स्वयं आ करके अपना कोई आईडी दे करके या अपने किसी मित्र परिचित घर वालों का हार्ड या सॉफ्ट कॉपी में फोटो दे करके 300 रुपए दे करके एक डाक टिकट जारी करा सकते हैं। इसका उद्देश्य लोगों में डाक टिकट को बढ़ावा देना है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद कोई श्रीमान आए हैं और उन्होंने इस तरह के फोटो दे करके ये जारी करा लिया है। लेकिन मुझे लगता है कि डाक विभाग के कर्मचारियों को ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत थी, जो नहीं रहे हैं उसके लिए हम देख रहे हैं कि किस तरीके से इसकी पुनरावृत्ति ना हो। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।